हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विजेंद्र नागदा वेलकमिंग यू ऑल टू माय न्यू वीडियो ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 2 लैंड सोइल वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम क्लास 8 के सोशल साइंस की ज्योग्राफी पोर्शन का भूमि मृदा जल वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें एक साथ सभी संसाधनों की महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो लेट्स बिगिन टुडेज चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑन विच ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि इसी लैंड पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और हमारी इस अर्थ के 30% एरिया पर जो है टोटल लैंड अवेलेबल है और 70% पर वाटर अवेलेबल है। तो जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो वाटर की कंपैरिजन में कम है। और साथ ही साथ अगर हम एक और बड़ी चीज़ को डिस्कस करें तो हमारी ये जो 30% लैंड अवेलेबल है उस टोटल लैंड का भी बहुत कम पार्ट ऐसा है जहां वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% एरिया में रहती है और बाकी बची हुई जो 90% लैंड है वहाँ पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही रहती है। तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस लैंड पर वो बिल्कुल भी जो है इवन नहीं है, इट इज़ अनइवन। और अनइवन होने का जो कारण है वो यह है कि यहाँ पर जो लैंड और क्लाइमेट हर प्लेस का डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट जो है वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस पे होता है और उस वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जितने भी प्लेन एरियाज है, मैदान है और नदियों की घाटियाँ हैं वो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं और उसी उपजाऊ जमीन की वजह से मैदानों में बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। फिर जो बात करते हैं हम तो जहाँ ऊंचे नीचे पर्वत पहाढ़ होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं माउंटेन्स के, या फिर लो लाइंग एरियाज जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, डेजर्ट्स के एरियाज होते हैं, घने जंगल होते हैं, या फिर जो बहुत ही ठंडे एरियाज है वर्ल्ड के वो प्लेसेज हैं जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। तो जो लैंड फॉर्म है इट डिसाइड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लैंड का जो टाइप है वो डिसाइड करता है कि किस प्लेस पर कितने पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन को रहने के लिए कुछ जो है सूटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। फिर क्लाइमेट की बात करते हैं तो वर्ल्ड के जो ठंडे एरियाज है जहाँ बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, माइनस डिग्रीज में रहता है, वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। वर्ल्ड के जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, हाई टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर वाले एरियाज है, वहाँ पर भी वर्ल्ड की बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। और वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है जहाँ पर टेम्परेचर माइल्ड होता है, जो सूटेबल होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, उन एरियाज में पॉपुलेशन जो है वो रहती है। तो क्लाइमेट और लैंड फॉर्म्स दोनों ही डिसाइड करते हैं कि किस प्लेस पर कितनी पॉपुलेशन रहेगी। फिर अगर हम जो इस टोटल लैंड की बात करें तो लैंड जो इस अर्थ का है वो जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्राइवेट लैंड एंड द सेकंड वन इज कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज द लैंड विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो किसी पर्सन द्वारा ओन्ड होता है, जो किसी पर्सन का निजी प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड उस लैंड को कहते हैं जो कि सार्वजनिक होती है, कम्युनिटी की रहती है, विच इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूज, जो कॉमन यूज में काम में आती है, इसी लैंड को कम्युनिटी लैंड कहा जाता है। जैसे पास्चर लैंड जो होता है, चरागाह होते हैं वो, जहाँ जानवर चढ़ते हैं और घास का चारा जो है वो लोग लाते हैं, वो एरिया जो होता है वो कम्युनिटी लैंड कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल की लैंड जो होती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये जितने भी एरियाज हैं दे आर कम्युनिटी लैंड, ठीक है। दीज आर यूज फॉर कॉमन पर्पस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उन्हें साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिटी लैंड को ही साझा संपत्ति संसाधन या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं लैंड यूज़ की, भूमि के उपयोग की। भूमि जितनी भी टाइप की होती है उसका अलग अलग कार्यों में उपयोग किया जाता है विश्व के अलग अलग देशों में, और विश्व के अलग अलग देशों में भूमि के इस उपयोग को ही लैंड यूज़ पैटर्न या लैंड यूज़
कहा जाता है। अब लैंड यूज़ की जो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, चार्ट दे टेबल दे रखी है, जिसमें विश्व के अलग अलग महत्वपूर्ण देशों में लैंड का यूज़ किस किस पर्पज़ में कितना कितना परसेंट में किया जाता है, वो डेटा यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का वो देश है जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक 56% ऑफ द लैंड इज़ यूज्ड इन पाश्चर, चरागाह में उस भूमि का उपयोग किया जाता है, जबकि वहाँ पर 6% एरिया इज़ यूज्ड इन क्रॉप एरिया यानी एग्रीकल्चर में, और 14% इज़ यूज्ड इन फॉरेस्ट। फिर ब्राज़ील जो है वहाँ पर 9% जो है एग्रीकल्चर लैंड है, 20% जो है वो पास्चर लैंड है, और 66% ऑफ द टोटल एरिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। और वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा एरिया है, ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर 66% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। फिर कनाडा में 52% जो है अदर पर्पसेस में होती है, और कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ के मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो बिल्कुल बर्फ से गिरा हुआ एरिया है। फिर चाइना की बात करते हैं तो 10% एग्रीकल्चर में, 34% पास्चर लैंड है, 14% जो है वहाँ पर फॉरेस्ट है, और 42% वहाँ पर अदर यूज़ में ली जाती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट परसेंट ऑफ द लैंड इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर वर्ल्ड में हाईएस्ट अगर फॉरेस्ट कवर्ड एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो जापान में पाया जाता है, दैट इज़ 67%। और वर्ल्ड का अगर हम रेशियो देखें तो 11% एग्रीकल्चर लैंड है, 26% पास्चर लैंड है, 31% वर्ल्ड का जो लैंड है वो फॉरेस्ट कवर्ड है, और 32% अदर पर्पज़ में यूज़ होता है। तो ये वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट लैंड यूज़ पैटर्न है। इसमें आपको चारों जो मैक्सिमम जिसमें यूज़ होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पास्चर लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, फॉरेस्ट में हाईएस्ट जापान का है 67% जो कि परसेंटेज में है, अगर टोटल लैंड एरिया की बात करें तो 66% इज़ इन ब्राज़ील। फिर अदर पर्पज़ में हाईएस्ट लैंड यूज़ होता है दैट इज़ इन कनाडा 52%, और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लैंड का वो है इंडिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। हमारे पास जितनी लैंड अवेलेबल है उसका हम इतना मैक्सिमम यूज़ करते हैं, सारे रिसोर्सेज उसी में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये जो लैंड है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, और भूमि के इसी ख़राब होने को लैंड डिग्रेडेशन या भूमिक्षरण कहा जाता है। इसकी बहुत सारे कारण हैं जिसमें लैंडस्लाइड्स जो है, भूस्खलन जिसको कहा जाता है, सोइल इरोजन जो है, भूमि का अपरदन जो है एक बड़ा कारण है इसमें, डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, ज़मीन के बहुत बड़ा एरिया है जहाँ वन कम होते जा रहे हैं और रेगिस्तान का विस्तार होता जा रहा है। तो ये सारे सब जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी थ्रीट है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न जो है एग्रीकल्चर एक्सपांशन भी है, कृषि का विस्तार ज़्यादा हो रहा है, एक कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स की इतनी बढ़ गई है कि लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सोइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। अब लैंड डिग्रेडेशन की महत्वपूर्ण कारण जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट डीफॉरेस्टेशन, जो है वनों का लगातार कटाव हो रहा है, जो कि डीफॉरेस्टेशन एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ओवरग्रेजिंग, जानवरों की अति चराई, बहुत ज़्यादा जो है जानवरों को चराया जाता है, खुले में जानवर चढ़ते हैं जिससे वो मिट्टी को उखाड़ देते हैं, और उसकी वजह से लैंड का जो सोइल इरोजन है बहुत ज़्यादा होता है। माइनिंग जो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि माइनिंग की एक्टिविटीज़ में जंगल काट दिए जाते हैं, भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र खोद दिया जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर क्वेरिंग जो है आखनन या जमीन के ऊपरी भाग में जो खनन की प्रोसेस होती है उसमें भी बहुत मात्रा में लैंड डिग्रेडेशन और सोइल इरोजन की जो है समस्या रहती है। अब मेजर चीज़ ये है कि इस लैंड डिग्रेडेशन को रोका कैसे जा सकता है या इसको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन कंजर्व द लैंड। फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ अफॉरेस्टेशन, वन लगाना, वनीकरण जो है एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। फिर लैंड रिक्लेमेशन, भूमि सुधार के बहुत सारे उपाय करना, भूमि के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे जो है स्टेप्स अगर हम लेते हैं लैंड रिक्लेमेशंस के, तो उसके द्वारा जो है मृदा क्षरण को और भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो है लिमिटेड यूज़ करना है, बहुत कम मात्रा में यूज़ करना है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं ज़मीन के अंदर जाकर जो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमस जो कंटेंट होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, और उससे सोइल की फर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो
पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का मिनिमम यूज़ करना होगा, फिर चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जो अति चराई होती है उसको रोकना होगा, कम करना होगा, जानवरों को जो ये चारा काट कर डालने में ज़्यादा अच्छा है ना कि उनको खुले में चराना। फिर प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स जो है डेजर्ट्स के एरियाज रहते हैं जहाँ विंड स्पीड ज़्यादा होती है, वहाँ खेत के चारों तरफ शेल्टर बेल्ट्स बनाने हैं जिससे सोइल इरोजन को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो बेकार पड़ी ज़मीन रहती है उसका भी जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है जिससे कि और ज़्यादा ज़मीन का भाग जो है वो डिग्रेड ना हो जाए। कंटूर कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ को है बहुत ही कंट्रोल्ड करने की ज़रूरत है, जितना अधिक माइनिंग होगा उतना ही जो है फॉरेस्ट कटेंगे और वो जो लैंड है वो ईजीली सोइल इरोजन वाली हो जाती है, तो माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करके भी लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। और फिर है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट, जितना भी इंडस्ट्रियल और सिटीज़ का जो भी वेस्ट है वो वेस्ट जनरली जो है रिवर्स में और बेकार पड़ी खाली पड़ी ज़मीन पर जो है भेज दिया जाता है, केमिकल वेस्ट को भेजा जाता है जो कि ज़मीन को ख़राब कर देते हैं। तो ये जो प्रॉपर डिस्चार्ज जो है एफ्लुएंट्स का वो करना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। दीज आर द वेरियस वेज इन विच थ्रू विच वी कैन कंजर्व लैंड रिसोर्स। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स की, दैट इज सॉइल। सोइल इज द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। सोइल या मृदा का मतलब अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है बिल्कुल बारीक पार्टिकल से बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, दैट इज सोइल, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये लैंड के बिल्कुल पास की परत है, सबसे ऊपर की परत है। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सोइल। अब जितनी भी सोइल होती है, सोइल को देखा होगा आपने, लाल पीली नीली बहुत सारे अलग अलग कलर की दिखाई देती है, तो ये जो कलर्स हैं इसका टेक्सचर है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है उसके लैंडफॉर्म पर डिपेंड करते हैं कि किस टाइप के लैंडफॉर्म से वो बनी है। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अच्छा, सोइल जो होती है वो रॉक का जो मटेरियल होता है वो तो होता ही होता है, उसके साथ उसमें बहुत सारे जो हैं टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, ह्यूमस जिसको हम कहते हैं, ह्यूमस कंटेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ मिनरल्स भी रहते हैं जो उसको फर्टाइल बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, दैट इज सोइल। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो वेदरिंग की वजह से होती है। जनरली रॉक्स जो होते हैं वो वेदरिंग की वजह से, या जिसको अपक्षय कहते हैं, उसकी वजह से टूटते हैं। डे लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसके बाद रात को जो है रॉक्स ठंडी हो जाती है, दिन में गर्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है ईयर्स ईयर्स लॉन्ग, तो उसके बाद जो है वो रॉक्स टूट कर धीरे धीरे टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। फिर इक्वल क्वांटिटी में या एक निश्चित संख्या में जो मिनरल्स और जो सोइल मैटर है उनका कॉम्बिनेशन होता है, वही जो है सोइल को फर्टाइल बनाता है। मिट्टी अपने आप में फर्टाइल नहीं होती, उसके साथ कुछ चीज़ें और होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ मिनरल्स हैं, वो सब मिलते हैं, तब सोइल फर्टाइल होती है। तो सोइल्स को ये सब चीज़ों का मिक्सचर जो है फर्टाइल बनाता है। अब हम बात करते हैं सोइल प्रोफाइल की। सोइल प्रोफाइल, सबसे पहले तो ये जो सोइल प्रोफाइल होता है ये जनरली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में बहुत से बार पूछा जाता है, तो आपको ये सोइल प्रोफाइल का बहुत ध्यान रखना है। सोइल में जो ये इस ग्रीन ग्रास के जस्ट नीचे आपको ब्लैक कलर की हल्की सी जो लाइन दिख रही है, दैट इज द सोइल, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो यही जो होती है इसी को सोइल जनरली कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे, इस टॉप सॉइल के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, दैट इज सब सॉइल, जिसके पार्टिकल कुछ बड़े रहते हैं, जो सैंड सिल्ट और क्ले से बनी रहती है। फिर उसके जस्ट नीचे का जो येलो कलर का पार्ट है, दैट इज वेदर्ड रॉक मेटेरियल, जो टूटा फूटा चट्टानी मेटेरियल है, दैट इज वेदर्ड रॉक मेटेरियल। और लास्ट में जो पैरेंट रॉक है, पैरेंट रॉक का मतलब वो रॉक जिससे सोइल बनी है, ठीक है, दैट इज़ पैरेंट रॉक। तो ये चारों जो टाइटल्स हैं इसकी, ये भी याद रखना है। और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड इज द सोइल, ठीक है, और इसी पर जो है वेजिटेशन ग्रो करती है। फिर हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन। सोइल को बनाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, किन किन चीज़ों पर सोइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो सोइल फॉर्मेशन पर पांच चीज़ें डिपेंड रहती है, जनरली पांच चीज़ों की वजह से सोइल का फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। फर्स्ट वन इज़ पैरेंट रॉक, ठीक है, किस टाइप की रॉक है,
दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, कुछ रॉक्स जो होती है वो हार्ड रहती, कुछ सॉफ्ट होती है, उनका जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है, उनका कलर जो है रॉक्स का डिफरेंट रहता है। तो जैसा कलर, जैसा टेक्सचर, जैसा उसमें सॉफ्टनेस या हार्डनेस होती, उसी टाइप से फिर सॉइल बनती है। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमीएबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है पैरेंट रॉक पर डिपेंड करती है। हर प्लेस की रॉक डिफरेंट होती है और इसी वजह से वहाँ पर सॉइल जो टाइप है वो भी डिफरेंट मिलता है। इसके बाद दूसरा जो मेजर फैक्टर है दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ज़रूरी जो है फैक्टर है, वो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को जल्दी या मतलब फास्ट या स्लो करता है। जैसे टेम्परेचर किसी प्लेस पर बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ रॉक के टूटने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है, और जब जितनी ज़्यादा रॉक टूटेगी उतना ही जल्दी सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो टेम्परेचर डिफाइन करता है, और उसके साथ साथ रेनफॉल, रेनफॉल जो है सॉइल इरोजन को बढ़ाता है, चट्टानों को टूटने में हेल्प करता है, तो रेनफॉल भी मैटर करता है। साथ ही साथ जो है ये दोनों ही फैक्टर जो है रेन एंड टेम्परेचर जो है वो वेदरिंग की और इरोजन की प्रोसेस को जो है बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ह्यूमस जो है उसकी क्वांटिटी भी इन टेम्परेचर और उस पर डिपेंड करती है, रेनफॉल पर। तो क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फिर थर्ड आता है रिलीफ। रिलीफ मीन्स द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। को बहुत सारे प्लेसेस जो होते हैं वो हाइट पर रहते हैं, तो वहाँ पर जो है इरोजन प्रोसेस ज़्यादा होती है, तो जो सॉइल जो होती है वो नीचे बहकर आ जाती है। तो जो लोअर एरियाज होते हैं वहाँ सॉइल कंटेंट ज़्यादा मिलता है, जबकि हायर एरियाज पर कम मिलता है, और हायर एरियाज में जो है इरोजन की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा रहती है। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते धीरे धीरे मिट्टी में जो है कंज्यूम होकर वो उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाते हैं। तो ह्यूमस जो है वो डिपेंड करता है फ्लोरा फोना, और फिर जानवरों का जो वेस्ट होता है गोबर और ये सब चीज़ें भी जो है मिट्टी को फर्टिलिटी को बढ़ाती है, उसकी क्वांटिटी को जो है ज़्यादा बेटर, क्वालिटी को ज़्यादा बेटर करती है। लास्ट होता है टाइम। मिट्टी को बनने में जितना लंबा टाइम लगेगा उतना ही उसके अंदर जो उसका जो कण होते हैं वो बारीक से बारीक होते जाएंगे, उसके अंदर जो ही कंटेंट जो है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। टाइम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल्स। जितना लंबा टाइम लगेगा सॉइल फॉर्मेशन में उतना ही उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। जितना जल्दी जो है सॉइल बनेगी तो उसकी लेयर बहुत पतली रहेगी, और वो जो है उसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी उतना फर्टाइल नहीं होता है। तो दीज आर द फाइव फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल: पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द टाइम। फिर हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल जो है आज के इस वर्ल्ड की जितनी भी फूड रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर जो है मेनली सॉइल पर ही डिपेंड करता है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है एग्रीकल्चर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस तरह की होती जा रही है कि सॉइल जो है उसकी क्वालिटी भी लगातार जो है डिटेरियोरेट होती जा रही है, और साथ ही साथ जो है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये डिग्रेडेशन सॉइल में उसकी क्वालिटी यानी उसकी फर्टिलिटी का कम होना, साथ ही साथ उसके अंदर जो है इरोजन की प्रोसेस जो है, उन दोनों को ही हम डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन में सॉइल इरोजन और डिप्लीशन दोनों चीज़ें हैं आर द मेजर थ्रीट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। ये है ह्यूमन जो प्रोसेस है वो, उसके साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स भी रहते हैं जो सॉइल को डिग्रेडेशन के कारण बनते हैं। तो विच आर द फैक्टर्स दैट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन? फर्स्ट वन एंड द फॉरमोस्ट इज द डीफॉरेस्टेशन, वनों का कटना, वनों का हटना। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल जो है वो इरोजन की प्रोसेस बढ़ जाती है। डीफॉरेस्टेशन में हम जानते हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी जड़ें जो है सॉइल को पकड़ कर रखती है, और जितना वन कटता है उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन की प्रोसेस जो है बढ़ जाती है। तो डीफॉरेस्टेशन एक मेजर फैक्टर है। दूसरा ओवरग्रेजिंग है, जानवरों की चराई, खुले में जानवरों को चराया जाता है, जो जानवर जो है मिट्टी को उखाड़ देते हैं, उनके खुर जो होते हैं वो मिट्टी को दबा कर प्रेशराइज करके उसको ढीला कर देते हैं। तो ये दोनों, ओवरग्रेजिंग भी एक मेजर फैक्टर है। फिर है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स
केमिकल्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर से के सारे जो ह्यूमस कंटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जीव जंतु या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उनके ख़त्म होने के साथ ही उसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। रेन वॉश एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हैवी रेनफॉल होता है तब जो है गली इरोजन के रूप में और शीट इरोजन के रूप में जो है बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है सोइल का। फिर लैंडस्लाइड भी एक बड़ा फैक्टर है, भूस्खलन जो होता है उसकी वजह से सोइल इरोजन होता है, और फ्लड्स जो है बाढ़ें जब आती है तो वर्तमान में जो है फ्लड्स एक बहुत बड़ा थ्रीट हो चुका है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, और ये रेगुलर इंक्रीज होते जा रहे हैं जिसकी वजह से सोइल इरोजन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। दीज आर द 5-6 मेजर फैक्टर्स विच लीड टू सोइल डिग्रेडेशन। फिर हम बात करते हैं हाउ टू कंजर्व सोइल, विच आर द मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशंस। तो सोइल कंजर्वेशन जो है इस पर बहुत रिसर्च हुआ है और उस पर वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की है जिसके थ्रू हम सोइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में देर आर 7 वेरियस टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर सोइल कंजर्वेशन। तो अलग अलग जगह पर ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है अलग अलग फसलों में सिचुएशन में। तो उसमें सबसे पहले टेक्निक जो वर्ल्ड में आजकल यूज़ की जा रही है दैट इज़ मल्चिंग। मल्चिंग जो है वो एक बहुत फेमस टेक्निक है सोइल कंजर्वेशन की। जैसा कि ऊपर पिक्चर में हम देख सकते हैं मल्चिंग के में पौधों की कतारों के बीच में प्लास्टिक की थैलियों के टाइप में कुछ लगाया गया है। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सोइल मॉइस्चर। ठीक है, जो खेतों के बीच में फसलों की जो दो कतारें रहती हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस रहता है वहाँ पर सोइल इरोजन की प्रोसेस होती है, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर से कवर करना, आजकल इसकी जगह प्लास्टिक और इन सब चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको कवर करके जो ये प्रोसेस की जाती है, जैसे जनरली काई उगाई जाती है, शैवाल उगाया जाता है, तो वो उगाकर उसमें नमी बनाए रखना, उस मिट्टी के अंदर नमी को बना कर रखना जिससे कि वो उड़े नहीं या बहे नहीं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग। तो मल्चिंग जो है कतारों के बीच में खाली पड़ी हुई जगह पर जो मिट्टी बह जाती है, उड़ जाती है, उस पर काई या शैवाल उगाना जिसके द्वारा उसको क्या कर देना, उसमें मॉइस्चर को बनाए रखना है। दूसरा जो तरीका है दैट इज कंटूर बेरियर्स। कंटूर बेरियर्स यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं, स्टोन्स ग्रास सोइल्स आर यूज टू बिल्ड बेरियर्स अलोंग कंटूर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर्स टू कलेक्ट वोटर। ठीक है, हाइट वाले प्लेसेस जनरली जो रहते हैं तो उसमें मिट्टी के जो है एक सेम कंटूर लाइन के ऊपर वहाँ पर पत्थरों की या इस तरह की जो कांटों की इस तरह की बाड़ लगा देना जिससे क्या है मिट्टी बहकर न जाए, और उसके नीचे जो एक खड्डा टाइप बना दिया जाता है जिसमें उस पानी को गिरने दिया जाता है, जब बारिश का पानी हाइट वाले प्लेसेस से नीचे की तरफ बहता है फ्लो करता है तो उस पानी को उन ट्रेंचेज में इकट्ठा किया जाता है और उसके साथ जो मिट्टी बहकर जाती है वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कंटूर बेरियर्स। फिर थर्ड मेथड इज दैट इज रॉक डैम। रॉक डैम चट्टान बांध। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज इन फर्दर सोइल लॉस। ठीक है, जनरली हैवी रेनफॉल के जो एरियाज रहते हैं जहाँ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है तो ऐसे में उन जगहों पर खेतों के चारों तरफ जो है पत्थर लगाकर उस पानी के फ्लो को, थोड़े हाइट के पत्थर, ऊंचाई के पत्थर लगाकर उस पानी को रोकना जिससे क्या हो कि सोइल का इरोजन कम हो। तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह से खेतों के बाढ़ के चारों तरफ पत्थरबंदी करना, दैट इज़ रॉक डैम। ठीक है, ये तीसरा एक तरीका है। फिर चौथा आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, मोस्टली हिली एरियाज में इस तरह की प्रोसेस को किया जाता है जिसके अंदर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे कैन रिड्यूस सर्फेस रन ऑफ एंड सोइल इरोजन। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा खेती जिसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में एक बहुत पॉपुलर मेजर है जिसके थ्रू सोइल कंजर्वेशन किया जाता है। फिर उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग भी वर्ल्ड में आजकल बहुत फेमस हो रहा है। इंटरक्रॉपिंग में होता है खेत में दो फसलें एक साथ उगाना, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश। दो तरीके हैं इसमें, एक तो जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं एक साथ खेत में दो फसलें अल्टरनेट रोज में उगाना, एक मक्का की फसल है दूसरी जो है कोई दूसरी फसल है, तो इस तरह से मूंगफली या इस तरह की चीज़ उगा देना, तो दिस इज इंटरक्रॉपिंग। और एक और इसमें यह भी रहता है कि सीजन, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स जो है ग्रो करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। फिर आता है कंटूर फ्लफिंग। कंटूर फ्लफिंग, फ्लफिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लॉफ टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर फ्लो
डाउन द स्लोप, जो स्लोपी एरियाज रहते हैं, पहाड़ी एरियाज रहते हैं, वहाँ पर खेतों को इस तरह से बनाना, कंटूर्स लाइंस में, पैरेलल लाइंस में खेतों का बनाना, जिसके थ्रू क्या है जो वाटर फ्लो है उसको रोका जा सकता है और वाटर के साथ जो है सोइल इरोजन को कम किया जा सकता है। फिर आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट भी एक फेमस टेक्निक है, जनरली जो डेजर्ट या जहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा रहती है, हवा की, पवन की स्पीड ज़्यादा रहती है, उन एरियाज में खेत के चारों तरफ पेड़ लगा देना, ठीक है, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में और ड्राई एरियाज जो है वहाँ पर इस तरह की टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जहाँ रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ठीक है। तो ये विंड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से खेतों के चारों ओर जो है प्लांट लगाना, दैट इज शेल्टर बेड। दीज आर द 7 मैथड्स और टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन कंजर्व सॉइल इरोजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी को याद होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रिसोर्स इज वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स बहुत ईजी सा सभी जानते हैं, वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, सभी जानते हैं 71% से ज़्यादा पृथ्वी पर पानी है, एंड इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, और इसी की वजह से अर्थ को वाटर प्लैनेट या जल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। और वाटर की क्वांटिटी जो है 3/4 है, अर्थ का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है वो वाटर कवर्ड है, और स्काई से जो है वो ब्लू कलर का दिखता है, दैट्स वाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, या इसको वाटर प्लैनेट या जल ग्रह भी कहते हैं। द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। इन ओशंस के अंदर बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है वो रहती है। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हाउएवर पेड़ पौधों और समुद्री जीव जंतुओं के लिए तो ओशंस में बहुत सारी संभावना है, लेकिन इसका पानी खारा होने की वजह से ये मनुष्य के उपयोग में नहीं आ पाता है। फ्रेश वाटर का अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%, ठीक है, अर्थ पर जो फ्रेश वाटर या पोटेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम कह सकते हैं वो ओनली 2.7% ही है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट। फिर इस 2.7% का भी 70% जो है वो आइस के रूप में ध्रुवों पर और पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में। तो इस 2.7% में से भी मैक्सिमम जो है वो आइसबर्ग या ग्लेशियर से। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्थ पर इतना वाटर होने के बावजूद ह्यूमन बींग के यूज़ के लिए सिर्फ 1% वाटर इज अवेलेबल, जो कि पीने योग्य है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सर्फेस वाटर इन रिवर्स एंड लैक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। ये पानी जो है जमीन के अंदर भूगर्भ जल के रूप में भी है, नदियों के अंदर भी है, झीलों के अंदर भी है, और जो ये वाष्प होती है, वेपर या बादल जो होते हैं, उसके अंदर भी यही 1% पानी की क्वांटिटी रहती है। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत कम पानी है, और यही पानी जो है हम सब लोग यूज में। फिर वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर के रिलेटेड ये है कि वाटर इज रीसाइकल्ड। वाटर का एक साइकिल रहता है जिसके थ्रू वो रीजनरेट होता है, हमारे पास फिर से पहुंच जाता है। वाटर के नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अर्थ पर वाटर की क्वांटिटी न तो घटती है न बढ़ती है, इट रिमेन्स सेम, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कंस्टेंट, ठीक है। 71% पानी है वो 71% ही रहता है, लेकिन ये अपने फॉर्म और शेप चेंज करता रहता है, प्लेस चेंज करता रहता है। इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू वैरी बिकॉज इट इज इन कंस्टेंट मोशन, साइकिलिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ये जो वाटर साइकिल जिसको हम कहते हैं, जिस इसी के थ्रू वाटर जो है इस अर्थ पर जो है रोटेट होता रहता है, लेकिन इसकी जो टोटल क्वांटिटी दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल द टाइम, ठीक है। दिस इज एज यू ऑलरेडी नो रेफर टू एज वाटर साइकिल। तो अर्थ का जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के थ्रू अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर रोटेट करना और फिर प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू वापस आ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर साइकिल सभी जानते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वाटर के रिलेटेड प्रॉब्लम की। वाटर के रिलेटेड जो है मेजर दो टाइप की प्रॉब्लम है, एक है वाटर स्कैर्सिटी
पानी की कमी हो जाना और दूसरी है वाटर पॉल्यूशन। दोनों ही कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। पानी का कम होना से मनुष्य के जीवन खतरे में आ जाता है और दूसरा वाटर पॉल्यूशन के द्वारा भी हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते, यानी पानी होते हुए भी हम उसका उपयोग में नहीं ले सकते। तो दोनों ही कंडीशन जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए पानी जो है बहुत ही एसेंशियल है। डेली यूज़ में ह्यूमन बींग्स को पानी का यूज़ करना ही करना है, पीने के लिए, खाना बनाने, सब्जियों से लेकर कपड़े धोने से लेकर बहुत सारी चीज़ों में पानी का यूज़ होता है। और ऊपर के मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं, ये जो वर्ल्ड की करंट सिनेरियो को बता रहा है कि अर्थ पर से पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो है धीरे धीरे सूख रहे हैं। और दूसरा पिक्चर क्लियरली डिफाइन कर रहा है मॉडर्न सिचुएशन को, जहाँ हर तरफ गंदगी, प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा है, गंदे नाली नाले हर तरफ देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वन इज़ वाटर स्कैरसिटी एंड द अदर वन इज़ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर स्कैरिटी, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न USA, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया। तो ये वर्ल्ड के इतने सारे प्लेसेस जो हैं वो वाटर स्कैरसिटी का सामना कर रहे हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेनमेंट्स। तो ये सारे वाटर पोल्यूशन के कारण हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरह की प्रॉब्लम है। अब इन दोनों ही प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए या वाटर की अवेलेबिलिटी को सब लोगों तक बराबर बनाए रखने के लिए हमें जो है कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसी चीज़ को कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन। तो वॉट आर द मीन्स एंड मोड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन? तो वाटर कंजर्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो मीन्स और मैथड है, दैट इज़ अफॉरेस्टेशन, वन लगाना, पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से एक तो टेम्परेचर कम होता है, साथ ही साथ ये जो है बरसात लाने में सहायक होते हैं, और जितनी बारिश होगी उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी बनेगी। तो फॉरेस्टेशन सबसे बड़ा एक फैक्टर है वाटर कंजर्वेशन का। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब वर्षा का जल जो बारिश के साथ आता है वो तुरंत जल्दी बहकर चला जाता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है उस समय पानी मिल नहीं पाता है, तो उस वर्षा जल को संग्रह करना। और वर्षा जल संग्रह की बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें एक तो नदियों के ऊपर बांध बनाकर बांधों में उस नदियों के बहते हुए जल को रोक कर बचाना, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें डैम्स बनाना है, चेक डैम्स बनाना, ये सारा सब है। लेकिन दूसरा, हम अपने घरों पर या शहरों के अंदर जो बिल्डिंग्स से पानी बहकर, छतों से बहकर जो है चला जाता है नालियों के थ्रू, वो पानी किसी काम में नहीं आता, तो उस पानी को भी कंजर्व करना, स्टोर करना, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि छत के ऊपर बारिश के पानी को पाइपलाइन के थ्रू ज़मीन में उतारा जा रहा है, उस पानी का यूज़ प्लांटेशन में भी किया जा रहा है, साथ ही साथ वाटर टैंक के अंदर भी उस पानी को स्टोर किया जा रहा है, और वही पानी ट्यूबवेल, बोरवेल के थ्रू वापस रिफ़िल कर देते हैं, और उस तरह से हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा के लिए बनी रहती है। तो वाटर कंजर्वेशन या रेन वाटर कंजर्वेशन हार्वेस्टिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर कंजर्वेशन का। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, कि गंदे पानी का या गंदे नालियों के पानी का साफ़ सफाई करके, फ़िल्टर करके, उसको साफ़ करके उसको रीयूज़ करना, ठीक है। और वो पानी अगर फिल्टर हो जाता है अच्छी तरह से, तो फिर उसको बहुत सारे दूसरे पीने में ना यूज़ करें, तो दूसरे बहुत सारे कार्यों में रीयूज़ करके वाटर कंजर्वेशन को किया जा सकता है। रीयूज़ एंड रीसाइक्लिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, जो उद्योगों में काम आने वाला पानी है, बहुत सारा केमिकल वाला पानी जो होता है, उसको बार बार रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना, ताकि क्या है, इंडस्ट्रियल में वही पानी बार बार यूज होता रहेगा, तो नेचुरल सोर्सेज से जो पानी इंडस्ट्रीज में कंज्यूम होता है वो कम से कम होगा, और इस तरह से वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है। फिर सबसे ज़्यादा पानी का एक यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में पानी के मिनिमम यूज़ के लिए जो सिंचाई करने के इरिगेशन मेथड से उसमें चेंज करना ज़रूरी है, और उसके लिए मॉडर्न मेथड्स में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जो है बहुत उपयोगी। इन दोनों मेथड से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी के इवापोरेशन को कम किया जा सकता है, और उसके द्वारा हम पेड़ पौधों को इनफ क्वांटिटी में रेगुलर पानी की सप्लाई भी कर सकते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए भी बहुत उपयोगी है दोनों, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन का भी एक बहुत अच्छा मेजर। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में 7th क्लास में भी आपने स्टडी किया है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो अर्थ का वो पार्ट जिसमें
पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे नेचुरली ग्रो करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स वो वनस्पति जिसको हम लोग नहीं उगाते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं ग्रो करते, वो नेचुरली ग्रो होती है, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। और ये नेचुरल वेजिटेशन जो है उसी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु, जानवर, वाइल्ड लाइफ से लेकर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं। और इन सब का कॉम्बिनेशन ही जो होता है जिसमें लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर मिलकर जो है इस पूरे जो एक चेन होती है उसको बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जिसको जीव मंडल या जीव मंडल कहा जाता है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जो बायोस्फीयर होता है उसमें जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं ये दो सभी आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, वो प्लांट्स जनरेट करते हैं, प्लांट्स के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो है जनरेट करते हैं। प्लांट्स हमें फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इको सिस्टम। तो इस तरह का जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का आपस में एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंस का जो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नोन एज इको सिस्टम, और इसको परितंत्र कहते हैं। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें जानवर हैं, चिड़ियाएँ हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा समुद्रों के अंदर रहने वाले जीव जंतु, दे ऑल आर वाइल्ड लाइफ। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल्स, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम्स। तो ये जो वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, एक एक चिड़िया, एक एक कीड़ा मकोड़ा, ये सब हमारे लिए बहुत यूजफुल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन सब की हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए इनकी एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। बर्ड्स भी हमारे लिए जो है डीकम्पोजर के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं। वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। वल्चर्स जो होते हैं, चील, कौवे जैसे जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, वो भी इनको खाकर वो गंदगी को साफ करने में उपयोगी रहते हैं। तो सभी तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है जंगली हो या फिर पालतू पशु हो, वो सब मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सब जब इतने सारे उपयोगी हैं तो इन सब का बचा रहना भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये बचे रहेंगे तभी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी। बात करते हैं हम वनों की, तो वन जो है दो प्रकार में, दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, उनके प्रकार बताए जा सकते हैं, जो कि पिक्चर देखकर हम समझ सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, एक साथ एक सीज़न में पत्तियां गिर जाती है वनों की, दे आर डेसिड्यूस फॉरेस्ट, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरा पिक्चर ऐसा है जिसमें प्लांट्स तो अपनी पत्तियां गिराते हैं लेकिन एक दो प्लांट्स अपनी पत्तियां गिराते हैं, बाकी नहीं गिराते हैं, और ऊपर से देखने पर पूरा जो जंगल का एरिया है वो हरा भरा दिखता है, दैट इज़ एवरग्रीन या सदाबहार वन। तो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डेसिड्यूस या पर्णपाती पतझड़ वन, दूसरे प्रकार के एवरग्रीन या सदाबहार वन। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। वो एक साथ अपनी पत्तियां किसी एक सीजन में नहीं गिराते हैं, पत्तियां सभी प्लांट्स की गिरती है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर थ्रू आउट द ईयर वो गिराते रहते हैं और पूरा जंगल जो है हरा भरा दिखता है, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिड्यूस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन या जो एवापोरेशन की प्रोसेस जो पेड़ पौधों में रहती है जिसके द्वारा उनका पानी उड़ जाता है, तो उसको प्रोसेस को कम करने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं गर्मियों के, स्पेशली जब गर्मियाँ आती है उस सीज़न में उनकी पत्तियाँ गिर जाती है। तो ऐसे वन जो पत्तियां गिरा देते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, उन्हें डेसिड्यूस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन कहा जाता है। अब जितने भी वन हैं और वन्य जीव हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं, जो एनिमल्स से हमने देखा कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीक़ों से हमारे उपयोग में आते हैं। तो इनका जब इतना उपयोग है तो ऐसे में इनका भी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि जंगल भी ख़त्म होते जा रहे हैं, साथ ही साथ जंगलों में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है उनका भी अस्तित्व संकट में आ गया है। तो इनका कंजर्वेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हाउ कैन वी कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
तो इसको कंजर्व करने का जो तरीका है, सबसे पहला, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. वो इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही जो प्लांट्स और ये जो वाइल्ड लाइफ है ये खतरे में आती जा रही है. मैनी स्पेसीज हैव बीन वल्नरेबल. बहुत सारी स्पेसीज तो संकटमय हो चुकी है, उनकी स्थिति एंडेंजर्ड हो चुकी है, एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और कुछ तो विलुप्त ही होने वाले, बिल्कुल इस अर्थ से ख़त्म होने वाले. बहुत से तो संकट में आ चुकी है, उनका नंबर जो है बहुत कम हो चुका है, और बहुत सारा का इतना कम हो चुका है कि आने वाले कुछ समय में वो इस अर्थ से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी. डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द कॉमन ह्यूमन मेड causes and natural factors which affect the number of animals and forest. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved. तो एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे उनका चमड़ा जो है वो काम में आता है, उनके नाखून होते हैं, उनके दांत होते हैं, उनके सींग होते हैं, और इन सब चीज़ों को मार्केट में इलीगली सेल करने के लिए इन जानवरों को मारा जाता है. और इनके मारने से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्शन के पास आ चुके हैं, जिसमें टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, ये सभी हैं. ये सभी जानवर जो है खतरे की स्थिति में पहुँच चुके हैं, तो इन सब का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है. अब कंजर्व कैसे किया जाए, तो कंजर्वेशन की प्रोसेस के लिए कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, तो इन दोनों को ही बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जंगल बचे रहें. जितने जंगल होंगे उतना ही उनके अंदर जानवर भी रहेंगे, और जानवर रहेंगे तो दोनों का ही कंजर्वेशन हो सकता है. तो इन दोनों के कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, इन जो है वाइल्ड लाइफ और वन और दोनों को ही बचाया जा सकता है. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. बहुत सारे जो वाटर्स के एरियाज़ होते हैं जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ रहती है, जब पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु रहते हैं, तो उनका भी निर्माण होना और उनको बचाना भी बहुत सारा ज़रूरी है. नेशनल पार्क इज़ अ नेचुरल एरिया डिजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. नेशनल पार्क जो होते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों को ही कंजर्व किया जाता है. बहुत सारे जीव जंतुओं के कंजर्वेशन के लिए रहते हैं, ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं रहते, और किसी पर्टिकुलर जीव जंतु के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंचुरी. मैनी कंट्रीज हैव पास लॉज डिक्लेयरिंग दैट ट्रेड्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल. दूसरा तरीका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के अलावा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएँ और उनका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जैसा कि दूसरे देश कर रहे हैं. हमारे भारत देश में भी अगर उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये जो इलीगल ट्रेड होता है जानवरों से, वाइल्ड लाइफ या प्रोटेक्टेड एनिमल्स की रिलेटेड थिंग्स का ट्रेड जो होता है इलीगल ट्रेड, उसको रोका जाए. फिर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अवेयरनेस. अवेयरनेस को जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा प्लांट्स लगाने का, ग्रो करने का, साथ ही साथ जितने भी ये जो एनिमल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, साथ ही साथ उनको प्रिजर्व करने, कंजर्व करने की जो है अवेयरनेस फैलाई जाए, जितना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उनके प्रोग्राम्स, कैंपेन चलेंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, इनको बचाया जा सकता है. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें वन महोत्सव प्लांट ग्रो करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो हर साल जो है रेनी सीजन्स में मनाया जाता है. शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, ये क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर भी इस तरह के वन महोत्सव जैसे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो होने चाहिए, जिससे इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके. अन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड. वर्ल्ड में एक साइट्स करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उन सारे स्पीसीज़ की लिस्ट बनाई है जिनका प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड है, जिनका शिकार करना है, उनको प्रतिबंधित किया है. तो साइट्स वो संस्था है जो इस तरह की चीज़ों के एनिमल्स और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाती है, और उनके लिए वर्ल्ड लेवल पर एफर्ट
करती है। फिर भारत में अगर हम बात करें तो ये जो दो पिक्चर है इसके थ्रू हम देख सकते हैं इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं और कहाँ कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। फर्स्ट मैप जो है दैट इज़ शोइंग नेशनल पार्क्स और सेकंड मैप जो है इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बता रहा है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग हर स्टेट में ऐसे नेशनल पार्क्स मिलेंगे। जो बहुत सारे फेमस नेशनल पार्क्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, दूधवा नेशनल पार्क जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, दूधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, फिर बांधवगढ़ से लेकर कान्हा रिजर्व जो नेशनल पार्क्स हैं ये एमपी में है, फिर गुजरात में गिर का जो है नेशनल पार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी देखो काजीरंगा है नेशनल पार्क है जो कि आसाम में है। तो इस तरह से नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर स्टेट में मिल जाएंगे आपको। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में है, फिर इसी तरह से साउथ में साइलेंट वैली केरला में जो है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, रामेश्वरम जो है, इस तरह से बहुत सारे नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं। फिर अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो इंडिया के हर स्टेट में वाइल्ड लाइफ डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज़ पर्टिकुलर एनिमल के लिए बनाई गई है, जिसमें जो है दची गाम का जैसे कश्मीर में है, गिर जो है वो अपने आप में एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। तो ये सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारे आज की और फ्यूचर जनरेशन की नीड है। ये बचे रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स भी बचे रहेंगे। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इन सब का कंजर्वेशन हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब की ड्यूटी है कि हम इनको बचाएं अपने लेवल पर, अपने घर पर। इन वाटर को बचाना है, एनर्जी को बचाना है, प्लांट्स को ग्रो करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमें मेथड यूज़ करना है, सोइल कंजर्वेशन करना है, ड्रिप इरिगेशन और इस तरह की जो इरिगेशन प्रोसेसेस हैं जो केमिकल और फर्टिलाइजर से उनका यूज़ कम करना है। अपने लेवल पर अगर सारे लोग ये करने लग जाएंगे तो हमारे इन रिसोर्स में हमारी आज की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरा होगी। ये अर्थ और प्लानेट जो है, ये ह्यूमन लाइफ जो है यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी। तो इसी के साथ जो है आज का ये जो कंजर्वेशन का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लास्ट में देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स और साइट से रिलेटेड जो संस्था है जो इन जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, ग्लोबल नेटवर्क बना रखा है जो अदर जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में लिंक का काम करती है। साइट्स इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये साइट्स की फुल फॉर्म है सी फॉर कन्वेंशन, आई फॉर इंटरनेशनल, टी फॉर ट्रेड इन इनडेंजर, ई फॉर एंडेंजर्ड, एस फॉर स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये संस्था है जो ये सभी तरह के जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड लेवल पर जो है अपना काम कर रही है, उनकी लिस्ट बनाती है और उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है।